वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक से खास बातचीत की है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है अक्टूबर तक कम से कम प्रदेश की 70% आबादी का टीकाकरण हो जाए। आज विश्व योग दिवस है और इसी मौके पर मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी होने जा रहा है। 10 लाख लोगों को आज मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है और अपने आप में ये एक सबसे बड़ी योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करने दतिया रवाना होने से पहले हम इनसे बात कर रहे हैं। सर, एक महाअभियान, एक इतनी बड़ी बीमारी से, महामारी से लड़ने के लिए, कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। ये अभियान नहीं, जनता की जिंदगी बचाने का संकल्प है हमारा, और इस संकल्प के साथ अकेले हम नहीं, पूरा प्रदेश खड़ा हो गया है। बस एक ही जुनून है, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करके हम अपनी जनता की जिंदगी सुरक्षित करें। बड़ी संख्या में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक